वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। भट्टा बस्ती थाना इलाके की ये घटना है। चावल लेने के लिए बाजार गई थी बालिका, वहीं दुकान का शटर नीचे कर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस दौरान अन्य ग्राहक के आने से बच गई बालिका। बालिका ने रोते हुए घर जाकर बताई आपबीती। परिजनों ने भट्टा बस्ती थाने में दर्ज कराया पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को लिया हिरासत में। वहीं भट्टा बस्ती पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही जयपुर से, जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जयपुर में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रयास किया, हालांकि बच्ची बच गई। भट्टा बस्ती थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर चावल लेने के लिए बाजार गई थी बालिका। दुकान का शटर नीचे करके दुष्कर्म का प्रयास किया गया, हालांकि इसी दौरान अन्य ग्राहक के आने से बालिका बच गई। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ संवाददाता है यादवेंद्र शर्मा। जी यादवेंद्र, क्या है पूरी घटना? देखिए अर्पिता, भट्टा बस्ती थाना इलाके की घटना है, और जो लगातार जैसी घटनाएं सामने आ रही है कि नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है, वैसे ही आज एक घटनाक्रम भट्टा बस्ती थाना इलाके के अंदर हुआ, जब एक नाबालिग जो बच्ची थी वो परचूने का सामान लेने के लिए एक दुकानदार के पास गई थी। लेकिन सुबह की पूरी घटना की ये घटना है, पूरा सुबह की घटना है। जब ये बच्ची जब सामान लेने गई थी, तो दुकानदार ने अकेला पा करके दुकान का जो शटर था वो नीचे कर लिया और इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन इसी दौरान एक अन्य ग्राहक जो था वो सामान लेने के लिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो शटर जो था वो अधूरा लगा हुआ था, तो ऐसे में उसको कुछ संदिग्ध गतिविधि लगी। तो ग्राहक के आने के बाद जो दुकानदार था जो हड़बड़ा गया, उसके बाद वहां से बच्ची रोते हुए निकल करके भाग करके आई। तो उसके बाद ग्राहक ने यहाँ पर बच्ची को लेकर के उसके घर गया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पीसीआर की टीम आई, उसके बाद उन्होंने इस नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में इस दुकानदार को फिलहाल राउंड अप कर लिया और उसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बच्ची की यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पर पुलिस की टीम है अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन एक बड़ी बात अर्पिता यहाँ पर यह है कि बैक टू बैक जो लगातार तीन घटनाएं सामने आ रही है, चाहे जयपुर की बात करें या पूरे प्रदेश के कई जिलों की, लगातार बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ की घटना आई है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को बड़े सवालों के घेरे में यहाँ पर खड़ा कर रही है, क्योंकि बच्चियों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं आना निश्चित तौर पर एक क्राइम को यहाँ पर दावत देना है, और उसी के चलते ये सारे घटनाक्रम सामने आए। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे प्रकरणों में लेकर ऐसे जो मामले सामने आते हैं उनमें बेहद गंभीर है। हालांकि घटना के बाद तमाम मुलजिमों को यहां पर पकड़ा भी गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी घटनाएं सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर बच्चियों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़े सवाल या निशान लगातार उठते आ रहे हैं, और इसी को लेकर के कई राजनीतिक नेता भी लगातार पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते आए, और इसी को लेकर के आज पुलिस मुख्यालय में एक गंभीर जो मीटिंग है वो यहाँ पर डीजीपी की ओर से रखी जा रही है। और इस मीटिंग के अंदर जो अहम जो मुद्दा रखा गया है वो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के रखा गया है। फिलहाल इन सब नतीजों को देखा जाए तो निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर क्राइम जो बढ़ा है वो महिलाओं पर अत्याचार और साथ में बच्चों पर अत्याचार कहीं ना कहीं वो लगातार बढ़ रहा है, और इसी को लेकर के लगातार जो सीएम गहलोत में है इस पूरे प्रकरणों को, ऐसे मामलों को लेकर के गंभीर भी है, और इसी के चलते इन मामलों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, ऐसे मामले फिर से ना आए, इन मामलों को लेकर के लगातार जो मीटिंग है वो डीजीपी की ओर से यहाँ पर ली जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ एक बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, हालांकि बालिका बच गई है, और परिजनों ने भट्टा बस्ती थाने में इस मामले को दर्ज कराया है।